तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई रिफ्रेशिंग वीडियो में। आज हमारे पास है बोट की तरफ से आने वाले रोकर्स 370। आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, तो मैंने कर ली है, और उसके बाद देखेंगे कि बोट की जो 370 है ये कैसे डिफरेंट है दूसरे हेडफोन से, जैसे कि 400, 450 या फिर 380 इन हेडफोन से, क्योंकि उसी प्राइस रेंज के अंदर ये हेडफोन्स भी आते हैं, और देखेंगे कि कितने डिफरेंट हैं ये वाले हेडफोन्स। तो जल्दी से मैं शुरू कर लेता हूँ इस वीडियो को। इन हेडफोन के बॉक्स के साथ जो चीज़ें मिलती हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाता है 1 ईयर का वारंटी कार्ड, उसके बाद यहाँ पर आपको मैनुअल कार्ड मिल जाता है, और यहाँ पर आपको शोकेस कार्ड मिल जाता है जिसके अंदर सारे बोट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो शो कराए हुए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एसेसरीज़ के रूप में यहाँ पर आपके ऑक्स केबल मिल जाती है जिसकी क्वालिटी एवरेज है, और यहाँ पर जो चार्जिंग केबल है उसकी मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी बहुत एवरेज से ऊपर है। बाकी ये है हमारा मेन कंटेंट, यानी कि हमारे 370 बोट रोकर्स। आज हम इसकी बात कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं बात करूँ इसकी ड्यूरेबिलिटी या फिर बिल्ड क्वालिटी की। तो पूरा ही प्लास्टिक का बना हुआ है, काफ़ी हल्का है मटेरियल इसके अंदर, जो चीप क्वालिटी का मटेरियल यूज़ हुआ है काफ़ी हल्का लगता है ये। और लगभग इसका वेट की बात करूँ तो लगभग ये 120-130 ग्राम के लमसम में होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। वहीं इसकी अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो ये काफ़ी चीप मटेरियल से बना है, तो हल्का फुल्का आपको थोड़ा सा केयर के साथ यूज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी एक्सटेंडेड आर्म्स मिलती हैं ये सिर्फ प्लास्टिक की है। यहाँ पर कोई भी मेटेलिक वाला जो सपोर्ट होता है वो चीज़ इस हेडफोन के अंदर मुझे देखने को नहीं मिल रही, जो कि हमने बोट 550 या फिर न्यू रिपब्लिक के जो हेडफोन्स है उसके अंदर हमें देखने को मिली थी, या फिर मैं बात करूँ वन ऑडियो का जो प्रोटेन मॉडल आता है उसके अंदर भी वो चीज़ हमें देखने को मिली थी। तो अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ तो ऐसे तो कुछ टूटने की आवाज़ वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा केयर के साथ इसे यूज़ करना पड़ेगा अगर आप इसे बाय करते हो तो। बाकी अगर मैं आगे की बात करूँ कंट्रोल्स वगैरह की, तो कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको प्ले, पॉज, नेक्स्ट, प्रीवियस और यही तीन बटन दिए गए हैं। बाकी इसके नीचे यहाँ पर आपको ऑक्स का सपोर्ट, माइक्रो यूएसबी यानी फिर चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इस हेडफोन के जो ईयर कप्स हैं वो कितने कंफर्टेबल हैं, या फिर अगर आप इसे यूज़ करते हो तो कितनी देर तक आप इसे यूज़ कर सकते हो, इसके जो ईयर कप्स हैं वो राउंड शेप के अंदर हैं, ऑन द ईयर हेडफोन है ये, और जब आप इन्हें यूज़ करते हो तो नो डाउटली आपके कानों के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से फिट आते हैं ये। थोड़े से छोटे ज़रूर हैं, आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से फिट आते हैं आपके कानों के ऊपर। और इसकी जो क्लैंपिंग फोर्स है वो भी ज़्यादा नहीं है आपके कानों के ऊपर, तो इतना प्रेशर क्रिएट नहीं करने वाले आपके कानों पर, लेकिन इसकी जो कुशनिंग है वो इतनी सॉफ्ट नहीं है, है तो काफ़ी ज़्यादा कुशनिंग, आप देख सकते हैं ये ऊँचाई और मोटाई, कुशनिंग तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन इतनी सॉफ्ट नहीं है जितनी हमें बोट के 550 में या बोल्ट के बूस्ट में या रेंजर में हमें देखने को मिली थी, या फिर मैं बात करूँ स्टार बॉय 3 की तो वहाँ पर वैसी कुशनिंग नहीं है। ऊपर की तरफ भी आपको थोड़ी बहुत कुशनिंग देखने को मिल जाती है जो आपके हेड वाले एरिया को थोड़ा सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये ऑन द ईयर हेडफोन है और इस हेडफोन के अंदर आपको कोई भी नॉइस आइसोलेशन जैसा सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपके कानों के ऊपर आते हैं ना कि आपके कानों को पूरा ढकते हैं, तो जो बाहर की साउंड है वो आपको सुनने को थोड़ी बहुत ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। अगर मैं इस हेडफोन के ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन यानी कि 5.0 आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर मैं ड्राइवर साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको लगभग 40 mm के जो ड्राइवर साइज़ है वो देखने को मिल जाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी साउंड क्वालिटी की कैसी है, और आपको माइक्रोफोन की जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि इसकी जो माइक्रोफोन की क्वालिटी है वो कैसे काम करती है। तो दोस्तों अब कर लेते हैं इसकी माइक्रोफोन का टेस्ट, और अभी मैंने एक कॉल प्लेस की है, और उसके बाद जो अभी आप साउंड क्वालिटी सुन रहे हो ये सुन रहे हो मेरे इस माइक्रोफोन की, और अब जो आप साउंड क्वालिटी सुन रहे हो वो सुन रहे हो इस हेडफोन के माइक्रोफोन की। यहाँ मैं आपको टेस्ट कराता हूँ, तो अब जो आप साउंड क्वालिटी सुन रहे हो ये लगातार सुन रहे हो इस हेडफोन के माइक्रोफोन से, तो आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है या फिर वॉइस क्वालिटी कैसी है जब आप किसी से बात करते हो, और वैसे जो मेरे माइक्रोफोन में कितने चेंजेस आ जाते हैं, तो दोनों ही हेडफोन्स में आपको ये कंपैरिजन पता लग गया होगा।
दोस्तों अब कर लेते हैं इस हेडफोन की साउंड क्वालिटी की बात कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं एक्चुअली में अगर आप इसे सुनते हो। अगर मैं इनकी प्राइसिंग की बात करूं तो लगभग ये हेडफोन 1400 रुपये की रेंज के अंदर आते हैं। अमेज़ॉन से आप इन्हें बाय कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। वहीं अगर मैं डिटेल्स में बात करूं इस हेडफोन की साउंड क्वालिटी की तो यहां पर जो बेस क्वालिटी है इस हेडफोन की काफ़ी एवरेज है और वोकल्स क्लियर आते हैं, लेकिन जब आप किसी सॉन्ग को सुनते हो तो वहाँ पर आपको जो मिड्स हैं वो ज़्यादा निकल के आते हैं, जबकि ट्रेबल और लो जो फ्रिक्वेंसीज होते हैं या फिर हाई और लो एकदम लो है इसके अंदर, जबकि जो मिड्स हैं वही आपको सुनाई देते हैं और सॉन्ग आपको ज़्यादा इसको देर तक सुन नहीं पाओगे। आप लगभग 10-15 मिनट के बाद आप इसे उतार दोगे क्योंकि इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही एवरेज है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये 1400 रुपये की जगह आपको लगभग 800 या 700 रुपये की रेंज के अंदर आते तो मैं जस्टिफाई कर सकता था। बाकी इसके अंदर बस ब्लूटूथ अच्छा है और 40 mAh के जो ड्राइवर हैं वो दे रखे हैं, लेकिन जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी एवरेज है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी एवरेज है और इतने कंफर्टेबल भी नहीं है ये हेडफोन। तो मेरी तरफ से तो आप बिल्कुल मत खरीदना इन हेडफोन्स को, क्योंकि 1400 रुपये की रेंज में और भी काफ़ी हेडफोन्स हैं जिन्हें आप बाय कर सकते हो। बाकी ये हेडफोन मुझे एवरेज ही लगा और इतनी जो इसकी प्राइसिंग है ये ओवर प्राइस है। दोस्तों ये सब कुछ था इस बोट के 370 के ऊपर, और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर सकते हो उस चैनल को जिसका नाम है डब्बा खोल।